वेलकम टू ग्रैंडमेड एजुकेशन। आपका नाम? थैंक यू सर, माय नेम इज पल्लवी शोपुरकर। क्या कर रहे हो? मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ, भवंस प्रोमिनेंट मेरा स्कूल का नाम है। हाँ, तो आपने ये जो 13 से 23 जुलाई के वर्कशॉप ग्रैंडमेड एजुकेशन में मेमोरी वर्कशॉप अटेंड किया, तो उसके अंदर दो टेक्निक्स दी गई है, साइकोलॉजिकल टेक्निक और टेक्निकल, तो उसमें से सबसे अच्छी टेक्निक्स आपको कौन सी लगी? मेरा ये मानना है कि दोनों ही टेक्निक्स बहुत अच्छी है, साइकोलॉजिकल भी बहुत अच्छी है और टेक्निकल भी बहुत अच्छी है। दोनों में ही हमें प्रॉफिट मिला है पूरी तरह से। तो साइकोलॉजिकल में आपको क्या इम्प्रूवमेंट मिला? साइकोलॉजिकल में सर, एक्चुअली मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी। मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचती रहती थी, फैमिली और फ्रेंड्स को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचती रहती थी मैं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उन लोगों से कुछ बातें छुपा रही हूँ कि मतलब अजीब सी फीलिंग आती थी। और मैंने जब सर आनंद सर से बात की तो मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला है। सर ने मुझे काफ़ी अच्छे सजेशंस दिए हैं जिसको मैं फॉलो ज़रूर करूँगी अपने फ्यूचर। बेटा टेक्निकल टेक्निक्स थी, वो आपके स्टडी में किस तरीके से इम्प्रूव कर सकती है, हेल्पफुल हो सकती है? सर हर एक पॉइंट पर, जैसे बहुत हिस्ट्री पोर्शन मेरा सबसे ज़्यादा वीक है, तो हिस्ट्री पोर्शन के बहुत लंबे लंबे आंसर्स हमें हमारी टीचर लिखवाती थी, तो जैसे उन्हें याद करना एक बहुत ही मतलब टफ जॉब लगता था कि अरे इतना सारा कैसे होगा। तो एक पॉजिटिव एनर्जी अंदर भर गई है कि नहीं, आई कैन डू इट। और कीवर्ड्स जैसे सिस्टम बताए गए हैं, तो इस ऐसे सिस्टम से वो बहुत जल्दी याद होता है। कितनी टेक्निक्स आपको दी गई यहाँ पे टेक्निकल? 32 करके, तो उसमें आपको कौन सी यूजफुल है जिस पे आप ज़्यादा डिपेंड रहते हो? सभी यूज़फुल है, पर मेरा ऐसा मानना है कि इमेजिनेशन मेरा बहुत अच्छा है, तो मैं ज़्यादातर वीज़ा सिस्टम को यूज़ करने की कोशिश करती हूँ।